अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू वंडरफुल वकार्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाली है, क्योंकि आज जो है मार्टियर्स डे है और आज हम लोग आए हुए हैं राजघाट पर। अभी तकरीबन सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो आज की जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, एंट्री लेने जाएंगे, देखेंगे, अंदर जाके बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये रहा कार्ड अपना। तो अभी जो हमारी एंट्री हो चुकी है अंदर और यहाँ हम लोग आके बैठ चुके हैं। बेस्ट मैंने कोशिश करी है मेरे को पोजीशन मिल जाए बैठने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा व्यू दिखा सकूं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं ऐसा कोई फंक्शन कह सकते हैं या ऐसी कोई सेरेमनी होती भी है। तो देखते हैं कैसा जाता है फंक्शन और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था आज के दिन, और गांधी जी आज शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में जो है आज का फंक्शन जो है मनाया जाता है। 30th January है मार्टियर्स डे, और आज का जो फंक्शन है वो टोटली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो देखते हैं, राजनाथ सिंह वगैरह सब आएंगे, जितने डिफेंस मिनिस्ट्री के, बाकी बड़े बड़े लीडर्स मोदी जी आएंगे और केजरीवाल साहब आएंगे, देखें सब आएंगे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने। तो देखते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, और पता नहीं कैसे बनेगी आज की वीडियो, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे अच्छी से अच्छी बनाने की। आ गया रिलीजियस प्लेयर्स एंड मार्टियर्स डे, तो इस तरह का आपको मिल जाएगा अंदर, ठीक है जी। अपना इंग्लिश में दिखाएंगे, हिंदी थोड़ी अपनी फ्लो हल्का है। काइंड प्रेजेंस ऑफ श्री मोहम्मद वकार यूसुफ, क्या बात है, इज्जत मिल रही है। इट इज सॉलिसिटेड टू पे सर्वधर्म प्रधान राजघाट न्यू दिल्ली 30 January, ठीक है, पहुंच गया। ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज सुनीता है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, आत्मने नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् उमासुतं शोकविनाशकम्। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ। क्या ये लोग नहीं देखते कि ऊंट कैसे बनाए, आसमान किसी भी सतून के बगैर कैसे बनाए, पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए, जमीन में पहाड़ रख दिए कि वो तुमको ले
लेकर झुक न जाए और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई और इसमें हर किस्म के जानदार फैला दिए, आसमान से पानी उतारा, जमीन में हर किस्म की उम्दा चीजें उगाई। अतोन ओलाम आशेर माला बेतेरे कौन एजीर ने बरा ले इतना सा के वो कौन आजाई मेले शे मोनी करा वे आहारे पापी जोड़ा लोभ करत है आज का में उठ जाएगा। उनके हाथों मरने को भी तैयार रहो। मैं दावा करता हूं कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है। धर्म की रक्षा, उसके अनुयायियों के आचरण की पवित्रता एवं नेक कामों के द्वारा ही की जा सकती है। अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती। भगवान से डरने वाले लोगों के लिए सब धर्म अच्छे और समान हैं। विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वे अपने अपने धर्म को ही नकारते हैं। सच्ची धार्मिक शिक्षा का सार यही है कि इंसान सबकी सेवा करे और सबके साथ मैत्री रखे। मैंने यह अपनी माता की गोद में सीखा। स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, वह भारतीय राज होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, अपितु धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिनिधियों का राज होगा।
जी फंक्शन जो है अभी कंप्लीट हो गया है और अभी यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर तीन हो गए हैं। सिंपल सा फंक्शन था, बहुत कुछ खास नहीं था, बस आपको आना है, यहाँ बैठना है, सुकून से देखना है क्या हो रहा है। सारे भजन, दुआएं, हर तरह के श्लोक वगैरह पढ़े गए, गांधी जी की बातें बताई गई और हर कोई आया और श्रद्धांजलि दी गांधी जी को और चला गया, उनको खिराज अकीदत पेश करी। बस जी, तुम अगर तुम्हें ध्यान दो तो भाई। हाँ बोलो। अबे रुको, कहाँ गया कहाँ गया फोटो? ये देखो, ये मैं हूँ, ये मोदी जी बैठे हैं। कहाँ हो तुम? आएगा तो कुछ मेरा पे मैं रही है। तुम ये देखो, ये दिख रहा है? हाँ ये तो दिखा। हाँ हाँ तो फोटोज नहीं खींचे, मेरी तरफ से फोटोज का एंगल अच्छा नहीं था। ऊपर कर दो। तो फाइनली फंक्शन जो है ओवर हो चुका है और बहुत अच्छा रहा। अब सब जा चुके हैं तो थोड़ा खुल के हम वीडियो बना सकते हैं, थोड़ा खुल के ब्लॉग कर सकते हैं और जो भी था आपके सामने था, मज़ा आया बहुत। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो फ्रेंड्स, मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। पीस।